नमस्कार साथियों, हिमाचली तड़का चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बना रही हूँ हिमाचली धाम में बनाया जाने वाला खट्टा कद्दू, जिसके लिए मैंने ये 2 किलो के लगभग कद्दू है जिसको मैंने काट के छिलका उतार के काट लिया है, और ये 1 कटोरी अनारदाना जिसको मैंने भिगो के रखा था 10-15 मिनट, और उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये 1 कटोरी है छुआरे जिनको मैंने थोड़ी देर भिगो के इनकी बीज निकाल लिया है इनका, और इस तरह से मैंने पीस करके इसको रख दिया है। सबसे पहले हम कद्दू बनाने के लिए मैं कुकर में 1 बिसल आने तक इसको उबलने के लिए रख दूंगी, साथ में छुआरे भी मैं उबलने के लिए कुकर में ही डाल दूंगी। उबलने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी और 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, थोड़ा नमक, कुछ हम बाद में डालेंगे, और कुछ हल्दी। अब हम 1 सीटी आने तक इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा कद्दू उबल रहा है तब तक हम मसाले को भून लेते हैं, जिसमें जीरा 1 बड़ा चम्मच, 1 सौंफ, 1 चम्मच बड़ा लाल मिर्च और 2 बड़े चम्मच धनिया, इन सभी चीजों को हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये कद्दू खट्टा मीठा होने के साथ साथ तीखा भी होता है, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च इसमें ज्यादा डाली है। तो साथियों, ये कद्दू हमारा अब अच्छी तरह से उबल चुका है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल के डाल दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाला, अनारदाना, नमक, हल्दी, एक कटोरी गुड़ बारीक कटा हुआ, बारीक पिसा हुआ, अगर आपके पास ना अनारदाना ना हो तो आप इमली या अमचूर का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। चुटकी भर दालचीनी, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची के दाने निकाल के मैंने पीस लिए हैं। अब हम इसको कम आंच पे 5 मिनट तक और पका लेंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, अनारदाना गाढ़ा भी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कद्दू। कद्दू हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अब गैस को बंद कर देंगे।
अब हम इसमें कोयले से सरसों के तेल की धुपनी देंगे। मैंने 2-3 कोयले ले लिए हैं। अब हम इसमें तेल की 2-3 बूंदे डालेंगे और इसको ढक देंगे। धुपनी का स्वाद कद्दू में बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब इसमें कोयले का धुआं लग चुका है, अब हम कोयले को बाहर निकाल देंगे। तो अब हमारी ये खट्टा कद्दू तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा।